हाय गाइस, वेलकम टू सचिन फिटनेस। आज के हमारी जो वीडियो है दोस्तों, वो होने वाली है डाइट प्लान के ऊपर। दोस्तों मैं पहले भी जो है डाइट प्लान बना चुका हूँ, वो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन के लिए थी, लेकिन इस डाइट प्लान में फर्क ये है कि दोस्तों ये बजट फ्रेंडली है। आपके जो भी घर में जो भी सामान है और जो भी आपके लोकली अवेलेबिलिटी है सामान की, उनसे आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही अपने रनिंग वर्कआउट या और भी किसी वर्कआउट में प्रोग्रेस ला सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बिफोर वर्कआउट मॉर्निंग में। हम जब सुबह सुबह उठते हैं दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 गिलास पानी को पीना है। अगर हो सके तो दोस्तों आप जो है पानी को गर्म करके पीजिए, हल्का गुनगुना, और साथ में गुड़ भी खा सकते हैं। इससे दोस्तों आपको फ्रेश होने में दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेट साफ हो जाएगा और जिससे आपको रनिंग करने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कभी भी भूखे पेट ग्राउंड में मत जाइए। अगर आप दोस्तों भूखे पेट ग्राउंड में जाते हैं तो आपकी स्टोर्ड एनर्जी वेस्ट होती है, जिससे आपके शरीर को जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एनर्जी को रिगेन करने में। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ ना कुछ खा के जाइए। खाने में दोस्तों आप जो है फ्रूट ले सकते हैं, जैसे सेब, केला, उबला हुआ आलू, खजूर, ब्रेड विद पीनट बटर। बिस्किट में दोस्तों आप पार्ले जी खा सकते हैं, या फिर जिस दिन आपको ज्यादा एनर्जेटिक करना हो या फिर आपको जिस दिन हैवी वर्कआउट करना हो उस दिन आप कॉफी पी सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है उसी के हिसाब से आप जैसे एक सेब या एक केला खा के जा सकते हैं, 2 से 3 जो है खजूर खा सकते हैं, 2 से 4 ऐसे बिस्किट खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आपके पास जो आपके पास अवेलेबल चीजें हैं वो चीज खा के जाइए। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। ड्यूरिंग वर्कआउट मतलब हम रनिंग के दौरान क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम जब भी रनिंग करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिसमें हमारे शरीर से नमक भी निकलता है, जिससे दोस्तों हमारा जो है शरीर में धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन होता है। इसको मेंटेन करने के लिए और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए जो है हमने लिक्विडेड चीजों का यूज करना चाहिए, जिसमें हम दोस्तों पानी हो गया, इलेक्ट्रोल हो गया दोस्तों, नींबू पानी या फिर ग्लूकॉन डी, और उसी के साथ कोई आपका जो एक्स्ट्रा कोई रिकवरी ड्रिंक आप प्रेफर कर सकते हैं। इससे दोस्तों होगा क्या, आपकी बॉडी में जो है पानी की जो लेवल है वो बढ़ने रहेगा, तो आपकी बॉडी में जो है हार्शनेस नहीं आएगी, और साथ ही आपको जैसे कभी कभी क्रैम्स आ जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं, इन चीजों से बचने में भी मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है हमारा आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट दोस्तों हमारा जो, जैसे हम कोई भी वर्कआउट खत्म कर रहे हैं उसके 20 से 40 मिनट के बीच में हमने अपने बॉडी को जो है अच्छी डाइट देना काफी ज्यादा जरूरी है। इस समय दोस्तों हमारी बॉडी जो है अच्छे से जो भी डाइट हम देते हैं वो कंज्यूम करती है। तो दोस्तों इसमें हम जो है सबसे पहले रिकवरी ड्रिंक, इससे हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट रहेगी। इसके बाद आता है दोस्तों स्प्राउट्स, जो भी हमारे अंकुरित दाल हैं उनको हमने लेना है। स्प्राउट्स दोस्तों खाने में अगर किसी दोस्त को सही नहीं लगते हैं तो इसके साथ अपना जो है काजू, बादाम, किशमिश, या फिर दोस्तों आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, या फिर आप उसके साथ चॉकलेट भी खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अनार और चुकंदर, या फिर मौसमी जूस, संतरे का जूस, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हैं। तो अनार और चुकंदर हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। इनमें मैंने भी बहुत सी चीजें लिख दी है दोस्तों, आप कभी भी ध्यान में रखिए, हमें क्वांटिटी के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे जाना है। तो दोस्तों इससे ये मतलब नहीं है कि मैं आज की डेट में 100 बादाम खा रहा हूँ, 40 बादाम खा रहा हूँ, या फिर 20 काजू खा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो बॉडी के हिसाब से है, आप 2-4, 5-6 भी बादाम खाएंगे तो जो उसका न्यूट्रिशन है, उसकी जो चीजें मिलनी है वो आपकी बॉडी को मिलेंगी। तो दोस्तों इससे आपका खर्चा भी कम आएगा और साथ ही आपका जो है शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर बॉडी में किसी भी चीज की जो है ओवर डोज हो जाता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, वो शरीर को नुकसान करता है। तो इन चीजों का हम ध्यान में रखेंगे कि आप सही मात्रा में हर चीज को लें, ज्यादा लेने के चक्कर में आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ब्रेकफास्ट दोस्तों हमें हमेशा हमारा जो है अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम ब्रेकफास्ट में जो चीजें ले सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों हम रोटी सब्जी हम खा ही सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्मली घरों में होता ही है। इसके साथ दोस्तों आप जो है दलिया, इसके अलावा दलिया, ओट्स, पोहा, इनमें दोस्तों आप जो है अच्छे से घी के साथ बना के खा सकते हैं, या फिर दोस्तों इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल के भी खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आधा हमारा जो है अंडा। अंडे में दोस्तों आप सभी को पता है कि हमें काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता है, तो हम ऑमलेट या बॉइल्ड एग खा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कोई भी शेक ले सकते हैं, बनाना शेक, पपाया शेक, या फिर कोई और शेक जो आपके पास अवेलेबल हो।
साथ ही दोस्तों आप ब्रेकफास्ट में दूध दही भी खा सकते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान में ये रखिए कि आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, इसी पे आपकी जो है पूरे दिन का शेड्यूल डिपेंड होता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसमें दोस्तों हम जो है ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद से जो है इनको ले सकते हैं। आप जो है फ्रूट में दोस्तों आप सभी को पता है जो आपके पास अवेलेबल है उन फ्रूट को ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों रिकवरी ड्रिंक में दोस्तों आप नॉर्मल पानी, नींबू पानी, ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रोल जो आपके पास अवेलेबल है, या फिर ORS या नमक चीनी का जो घोल बना के हम ORS बनाते हैं जनरली, उसको भी ले सकते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों आपने जो भी वर्कआउट किया है उसमें जो भी हमारा पसीना निकला है उससे जो है दोस्तों बॉडी में हराशनेस आई है, उसको कम करने के लिए और साथ ही बॉडी को रिकवर करने के लिए जो है बॉडी को जो है हम रिकवरी ड्रिंक्स देते रहना। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लंच पर। कोशिश कीजिए कि लंच आप जल्द से जल्द कर लें, जो भी हमारा इवनिंग का वर्कआउट है उससे 2 से 2.5 घंटे पहले आप लंच को कर लें तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लंच में जो है हमारे पास जो भी हमारे घर में नॉर्मली अवेलेबल रहता है, चावल, दाल, दही, सलाद, ये सब चीजें ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ी सी मात्रा में जो है आप चिकन, जैसे 50 से 100 ग्राम चिकन ले सकते हैं या फिर पनीर ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम इवनिंग वर्कआउट पर। इसमें दोस्तों हमने जो है कुछ खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दिन में लंच किया हुआ है। इसके साथ दोस्तों आप जो है नॉर्मली रिकवरी ड्रिंक या फिर पानी वगैरह पी के कर सकते हैं। बहुत से मैंने दोस्त ऐसे देखे हैं अपनी बॉडी को पुश करने के लिए जो है प्री वर्कआउट या रेड बुल इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। इससे दोस्तों आप हमेशा ध्यान में ये रखिए कि आपको नुकसान ही होता है। ये चीजें किसी और चीज के लिए बनी होती है और हम यूज करते हैं किसी और चीज पे। इस चीज की आपको जब तक नॉलेज ना हो तो प्लीज इन चीजों को कंसीडर ना करिए। दोस्तों इवनिंग वर्कआउट में जो है आप नॉर्मली रिकवरी ड्रिंक्स का ही यूज कीजिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम इवनिंग आफ्टर वर्कआउट में। इसमें दोस्तों हम सेम रिकवरी ड्रिंक्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप नॉर्मल पोटैटो या फिर स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप उबले हुए अंडे भी खा सकते हैं। ये सभी दोस्तों आपने जो भी एनर्जी वेस्ट की है, अपनी एनर्जी जो भी लगाई है उसको रिगेन करने में मदद मिले। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा डिनर। डिनर में दोस्तों हम जो है कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिनर लाइट ही करें। अगर आप पेट भर के खाएंगे तो आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, इससे आपको सुबह जो है दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करेंगे रात को लाइट खाना और कम खाना करें। इसमें दोस्तों हम जो है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कम मात्रा में चिकन, पनीर, खीर, हलवा, जो भी हमारे यूजुअली घर में बनता है, ये सब चीजें ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप 30 से 45 मिनट बाद जो है सोने से पहले दूध को ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी जो जगह पर अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से जो है फ्रूट या फिर डाइट जो भी अवेलेबल है उन चीजों को ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने दलिया भी लिखा, ओट्स भी लिखा, दोनों चीज खानी है, आपने सिर्फ एक ही चीज खानी है, सिर्फ दलिया ही लेना है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपने अपने डाइट शेड्यूल को सेट करना है। बट ध्यान में रखिए, अगर मैं दलिया ले रहा हूँ तो साथ में 1 या 2 अंडे ले सकता हूँ। इससे जो है दोस्तों आपको प्रोटीन के साथ साथ बाकी जो कार्ब्स हैं, बाकी भी जो विटामिन्स हैं, इन चीजों की भी जो है आपको पूर्ति होगी। तो दोस्तों इस शेड्यूल को आप ध्यान में रख के अगर डेली बेस में करेंगे तो आपका प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और साथ ही आप इंजरियों के खतरे भी जो है कम हो जाएंगे। दोस्तों एक चीज पे हमने और ध्यान में रखना है कि हमने जो है क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 10 अंडे खा रहा हूँ, 20 काजू खा रहा हूँ, 20 बादाम खा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप ओवर डाइट करेंगे तो आपके शरीर में जो है गलत इफेक्ट पड़ेगा। आपके शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको पचाने में, और दोस्तों आपके शरीर को जितना ही जरूरत है वो उतना ही रखेगा, बाकी जो है आपका बाहर हो जाएगा। तो आपका फायदा कुछ नहीं है। आपने बस जो है ध्यान में ये रखना है कि आपने कम और सही मात्रा में अपनी डाइट को सेट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि आप सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। जो भी दोस्त हमारे सेना भर्ती या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी रनिंग वर्कआउट को फॉलो करते हैं तो आप उनको ये वीडियो जो है प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल पर प्यार दिखाते रहो। थैंक यू।